आज से लगभग 2 साल पहले आपको याद ही होगा जब मैं वो वाले रूम में रहा करता था, सिंगल रूम था मेरे पास, सेटअप बना रखा था मैंने। तो उस टाइम पे मैंने लॉजिटेक का G29 स्टेयरिंग व्हील लिया था। एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं, ये देखो। तो ये था वो पूरा सेटअप जिसमें शिफ्टर भी आया था। तब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी और भाई अभी इस वीडियो पे पता है कितने 1 मिलियन के ऊपर व्यूज़ हो चुके हैं, 1 मिलियन से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो 2 साल हो चुके हैं लगभग। उस वक्त मैंने ये ट्राई किया था PlayStation 4 Pro के साथ में, उस वक्त चलता ही था, ऑब्वियसली बात है PS4 काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, तो इसके जितने भी अपडेट्स थे वो सब आ चुके थे PlayStation के लिए। बट अब रिसेंटली आपको पता ही है PlayStation 5 लॉन्च हुआ है, वो अलग बात है, इंडिया हमें मिल नहीं रहा जल्दी से, बट मेरे पास है काफ़ी टाइम से PlayStation 5, तो इसलिए मेरे से भी ना लोग पूछते रहते हैं कि अनमोल भाई आपने कभी ये G29 PS5 में लगा के देखा है कि ये काम करता भी है नहीं करता। तो मैं भी सोचता था हाँ चलो यार कभी ट्राई करते, बट कभी ट्राई करने का मौका नहीं मिला। तो आज सोचा ट्राई भी करते हैं, साथ साथ वीडियो भी बनाते हैं। पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ मैं अभी, और आपको वीडियो के थ्रू बता भी देंगे। प्लस में कुछ गेम्स भी ट्राई करेंगे, जैसे कि GTA 5 चला के देखूंगा PS5 में कि क्या ये लॉजिटेक का स्टीयरिंग व्हील PS5 के साथ काम करेगा या नहीं करेगा। फिर उसके बाद और भी NFS वगैरह जैसी गेम्स भी ट्राई करेंगे। पूरा करते हैं सेटअप, आपको बताता हूँ। मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि कैसे इंस्टॉल होगा, मतलब ये आइडिया है कि इंस्टॉल कैसे होगा, बट ये नहीं पता कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो चल गया तो आपको भी बता देंगे, फिर आप भी खरीदना चाहो कभी खरीद लेना लॉजिटेक का G29, वरना जयराम जी की। बाकी अगर आपको G29 की अनबॉक्सिंग देखनी है कि अंदर क्या क्या पार्ट्स निकलते हैं, कैसे उसको असेंबल करते हैं, कैसे उसकी फिटिंग करते हैं, कैसे वायर वगैरह कहाँ कहाँ लगती है, तो ऊपर मैं कार्ड में लिंक दे दूंगा वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, मेरी 2 साल पुरानी वीडियो देख लेना। थोड़े मेरे बाल उस वक्त शायद उड़े पड़े थे, मैंने गंजा हुआ पड़ा था, तो देख लेना, ठीक है, जो भी है पुरानी वीडियो है, अच्छी लगेगी आपको, इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। बाकी PS5 मैंने अपना सेट कर दिया, इधर नहीं, यहाँ से दिखेगा, ये पड़ा हुआ वाइट कलर का, और स्टेयरिंग व्हील जो है मेरा अभी वो लगा हुआ है यहाँ टेबल पे, और साथ में लगा हुआ है इसके शिफ्टर। तो ये फिलहाल तो मैंने PC के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब PC में से वायर निकाल के USB केबल होती है बेसिकली एक, वो मैं लगा देता हूँ PS5 में। बाकी जो वायर्स है वो पहले की तरह लगी हुई है उस वीडियो में जो आपने देख लिया होगा। तो ये वो USB वायर है जो मेरे लॉजिटेक के G29 स्टेयरिंग व्हील से आ रही है, इसको मुझे लगाना है अपने PlayStation 5 में। तो इतनी तो ये लंबी तार है नहीं कि वहाँ तक जा पाए, इसलिए मुझे PlayStation को ही यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो फाइनली PlayStation को मैंने यहाँ पर अपना फिक्स कर दिया है। अब ये USB केबल जैसे ही हम लगाते हैं ना, चाहे मैं PC पे लगाता चाहे मैं PlayStation पे लगाता था, तो ये जो स्टेयरिंग व्हील है ना, ये ऑटोमेटिक अपने आप को कैलिब्रेट करने लग जाता था। तो अब मुझे ये चेक करना है कि ये केबल लगाते ही सबसे पहले ये काम करेगा या नहीं करेगा। इसके अलावा स्टेयरिंग व्हील के यहाँ पर आप ये बटन देख पा रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पे दो ऑप्शन है PS3 एंड PS4 का। तो PS4 पे चलाते थे हम जब नॉर्मल PlayStation के साथ यूज़ करना है, और PS3 पे मैं कर देता था जब मुझे PC के साथ यूज़ करना है। तो अब मुझे नहीं पता दोनों में से किसके साथ ये PS5 में काम करेगा, इसलिए फिलहाल मैं इसको PS4 पे ही छोड़ देता हूँ। अगर PS4 पे ये कैलिब्रेट खुद से घूमने नहीं लगा तो इसको PS3 पे कनेक्ट करके देखेंगे। फाइनली भैया घड़ी आ गई है जब मैं अपने Logitech G29 को PS5 के साथ कनेक्ट करके देख रहा हूँ कि ये काम करेगा या नहीं। अगर कर गया ना भाई तो मज़ा सा आ जाएगा, क्योंकि फिर इसके अलावा मेरे को कोई स्टेयरिंग व्हील लेना नहीं पड़ेगा। लगा तो दिया यार, ये कैलिब्रेट तो नहीं हुआ है, ये क्या पंगा है। अब इसको PS3 पे डाल के देखता हूँ, नहीं हो रहा PS3 में भी, वापिस से PS4 पे करा है। ऐसा करता हूँ आगे वाले स्लॉट पे लगा के चेक करता हूँ। चल जा भाई मेरे, प्लीज चल जा। 1 hour later अभी एक प्रॉब्लम हो गई थी, 1.5 घंटा ना मैंने अपना सर फोड़ा इधर उधर कि क्या हो गया दिक्कत, और एंड में पता है दिक्कत क्या निकली, इसका जो मेन पावर वाला सॉकेट था ना वो ही निकला हुआ था। मतलब कि भाई हद होती है, 1.5 घंटा वेस्ट कर लिया मैंने अपना कि क्यों नहीं चल रहा। अब फाइनली इसको कनेक्ट करते हैं, ये वो प्लग है, अब चल जाना चाहिए। और ये ब्रूनो मुझे परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। फाइनली USB कनेक्ट करते हैं, प्लीज़ भगवान जी इस बार चला देना। ओ चल गया रे, होए 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 चल गया, होए 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 होए। इसका बटन ना अभी PS3 पर है, तो मैं PS4 पे करता हूँ। हे भगवान प्लीज़ चल जाए, चल जा। घूम रहा, वेट, होने दो, खुला कैलिब्रेट नहीं चल रहा यार, ये क्या। ओके, तो इसमें ना यहाँ पर एक बटन बना हुआ है PlayStation का, जैसे अपने कंट्रोलर में बना होता है ना ये ऑन करने का PlayStation लोगो वाला, सेम टू सेम बना हुआ है इस पे भी स्टेयरिंग व्हील पे। तो आपको पहले ये बटन दबाना पड़ेगा, उसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हो लिखा आ गया है हु इज़ यूजिंग दिस कंट्रोलर। तो आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना एक्स से, और अब जो है हमारा स्टेयरिंग व्हील चल चुका है, ये देखो। मैं बटन से लेफ्ट राइट कर सकता हूँ, चूज़ भी कर सकता हूँ,
तो ये तो कंफर्म हो गया कि लॉजिटेक G29 प्लेस्टेशन 5 के साथ वर्क करता है। अब चेक करते हैं इसका गेम्स का, क्योंकि सबसे पहली गेम जो है ना वो है अपनी फेमस GTA 5। बट PC वाले में क्या होता था, GTA 5 में ये स्टेयरिंग व्हील ना PC से कनेक्ट हो जाता था, चल जाता था सारी गेम्स में। बट GTA 5 के लिए ना एक मोड इंस्टॉल करना पड़ता था, तभी ये स्टेयरिंग व्हील गेम के अंदर काम करता था। तो देखते हैं PlayStation 5 में GTA 5 जो है वो डायरेक्टली इस व्हील को सपोर्ट करती है या नहीं। ओए ब्रूनो मत छेड़ यार, ये पूरा ट्राईपोड घुसा रही ला रहा इधर उधर, बैठ जा। सेट ब्रूनो, सेट सेट, वेरी गुड। चलो भाई तो हो जाए, डिस्क मैंने डाल दिया, प्ले स्टेशन ये रही GTA 5 ऑन कर दी अपनी। तो मैंने शुरू का सारा पार्ट खेल लिया GTA का, वो कार चेज वाला आ गया है पार्ट, जब पुलिस हमारे पीछे पड़ जाती है बैंक रोबरी के बाद। तो इसमें हमारे हाथ में अब कंट्रोल मिलेगा गाड़ी का, देखते हैं स्टेयरिंग व्हील वर्क करेगा नहीं, क्योंकि अभी टाइट हो चुका है स्टेयरिंग व्हील, इसका मतलब काम करना चाहिए, बाकी चलाने भी पता चलेगा। और ये घड़ी आ गई है, बस चल 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 चल, जल्दी जल्दी जल्दी। और ये नहीं भाई, नहीं नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, ना तो इसमें रेस काम कर रही, ना ब्रेक काम कर रही, और ना ही क्लच काम कर रहा। ये देखो मैं स्टेयरिंग लेफ्ट घुमा रहा हूँ तो टायर हिल नहीं रहा, राइट घुमा रहा हूँ तो नहीं हिल रहा, जबकि अगर मैं कंट्रोलर से लेफ्ट राइट कर रहा हूँ तो हिल रहा है। तो मेरे ख्याल GTA 5 जब आई थी, लॉन्च हुई थी इतने साल पहले, उस टाइम पे इन्होंने स्टेयरिंग व्हील का सपोर्ट नहीं दिया था, और अब जो है वो PC में मोड्स की मदद से स्टेयरिंग व्हील यूज़ करा जा सकता है, बट कंसोल में हम मोड्स डाल नहीं सकते हैं इसमें तो, खासकर क्योंकि ये जेल ब्रेक नहीं है PS5। तो आपके पास GTA 5 इसके साथ खेलने का कोई ऑप्शन नहीं है PlayStation 5 में। अब कोई और रेसिंग गेम देखते हैं जो थोड़ी लेटेस्ट भी हो और उसमें हो सकता है सपोर्ट हो इसका। मेरे पास कोई भी रेसिंग गेम फिजिकल डिस्क में अभी तो नहीं पड़ी हुई है, बट मैंने PlayStation स्टोर से ले लिया ग्रैंड टूरिज्मो स्पोर्ट, तो इसको चला के देखते हैं कि इसमें अपना स्टेयरिंग व्हील प्यारा प्यारा सा काम करेगा या नहीं करेगा। तो सीधा मैं रेस में आ गया हूँ, देखते हैं चला के फटाफट से। ओके स्टेयरिंग व्हील काम कर रहा है भाई, एंगल चेंज करके दिखाता हूँ। अबे ठोक क्यों रहे हो गाड़ी को, चल 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 चल। मैनुअल ट्रांसमिशन है क्या? अच्छा हाँ भाई मैनुअल ट्रांसमिशन है। ओ हो, सही चल रही है। ये तो हो गया कंफर्म कि काम करता है स्टेयरिंग व्हील अपना PlayStation 5 की कुछ गेम्स के साथ, जैसे कि ग्रैंड टूरिज्मो के साथ कर रहा है। तो ये वीडियो वैसे खैर गेम प्ले के लिए नहीं थी, तो इसलिए ज़्यादा गेम प्ले खेलेंगे नहीं, बस हमने ये टेस्ट करना था कि ये चलेगा या नहीं, और फाइनली चल रहा है। बट GTA 5 में मुझे पहले ही पता था नहीं चलने वाला, क्योंकि GTA 5 का सपोर्ट ही नहीं है। अब हो सकता है जो PlayStation 5 के लिए GTA 5 आने वाली है ना, उसमें हमें सपोर्ट मिल जाए इसका स्टेयरिंग व्हील का, वो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। बाकी अभी के लिए GTA 5 आप नहीं खेल सकते। दूसरी गेम्स में मेरे ख्याल NFS हीट भी चल जाएगी, NFS पेबैक भी चल जाएगी, और ये तो चल ही रही है खैर। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो के लिए, मतलब आपके लिए तो ये 5-10 मिनट की वीडियो होगी, बट मुझे 2-2.5 घंटे लग गए, गेम्स इंस्टॉल करी, चला के देखा, बट एंड में जो भी आपको सब कुछ मैंने कम्प्लीटली बता ही दिया है। ठीक है जी, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय बाय।